निकेल गुंडा सानी और नखेल राज औसा निकेल राहुल शर्मा 11 के टीम और पांचवें छोर पर वाइट जर्सी पर सीबुम से और इस मैच में रेफरी सीबुम स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफिशियल रेफरी आज है बाबरपुर की क्या वैसी मुकाबला शुरू हो चुका है करना 11 टीम को डिफेंसिव को मजबूत कर सकता है क्योंकि जयपाल सिरका है और साथ साथ में बीमार कुमार बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन रहता है कमाल का स्किल के साथ गोल दगने में काफी आगे माहिर है काफी सारे प्रो टूर्नामेंट पर देखा गया है जयपाल छिड़का और दीपाल कुर्मा का छलवा साल में लेकिन चिन्हमकाई फिलहाल मौका हो सकता है लेफ्ट चौर से लेकिन शानदार यहां पर गोलकीपिंग का प्रदर्शन गोलकीपर शर्मा 11 लेकिन फिर एक बार मुकेट बिडर बिरजू पात्रों के लिए गोल के यहां पर बेक पास करते हुए और बिरजू पात्रों एक ऊंचाई वाली पास अपने साथी खिलाड़ी को खिलाड़ी को पास देने के बाद और आगे बढ़ते रहा था लेकिन छिन्नने में कामयाब हुई थी शर्मा 11 लेकिन पहले बार बोल छिन्नने में कामयाब बोल जीतने के बाद यहाँ पर समंतर पास छोटे कर खिलाड़ी फिलहाल आगे बढ़ते हुए शर्मा 11 की टीम सुंदर पास है लेकिन वहां मौजूद कृष्णा लेकिन फिलहाल जयपाल सिरका सुंदर पास है विमल कुमार के लिए और यह है विमल कुमार लेकिन देखना होगा विमल कुमार क्या करते हैं शुरू से 80 किलोमीटर पर लेकिन चार नंबर के लिए फिलहाल अगला छह नंबर शिवम से छोटे छोटे पास सात अगर उन्हें कौन से टीम शिवम सर लेकिन समय भी कम नहीं टीम में समय भी कम चाची की दुनिया में यह भी किसी कम नहीं प्रदर्शन करते हैं काफी सारे स्कोर बटरने के बाद टीम प्राप्त करने की क्षमता है चिंता की बात क्या है इस मुकाबले कौन सा टीम जीतेंगे बड़ा कहना मुश्किल लेकिन प्लान मौका हो जाएगा जयपाल सिरका की टीम के लिए और जयपाल सिरका यहाँ पर तो आउटसाइडर के माध्यम से विमल कुमार को पास दिया डेंजर जोन के अंदर में लेकिन वहाँ पर सुंदर जबरदस्त डिफेंसिव लाइन सुंदर के लिए लेकिन प्लान सरला ले लेंगे सेंटर में फील्डर छोटे के पास खिलाड़ी सुंदर पास सुंदर कवरिंग लेकिन बोल्ट लाइन से बाहर और अगले मैच के लिए दो टीम तैयारी शुरू कर दी स्काई 11 बनाम और बीएफजी ओबीएफजी बनाम स्काई 11 अगला मैच के लिए दो टीम तैयारी शुरू कर दी इसके बाद आज का पहला सेट का अंतिम मैच राज फुटबॉल क्लब बनाम विशाल स्पोर्टिंग राजनगर अब दोनों टीम टीम कैप्टन श्री अनुरोध रहेगा कि आप लोग तैयारी शुरू कर देंगे लासर नाले में सुंदर पास है यहां पर रोका कौन रखता है और इसको आ सकती है तनाल बनती है लेकिन अभी भी सुंदर कट स्किल के साथ अगर उन्हें कॉस गेंद अभी भी कतरा मारो टीम सीएम बॉम्ब्स का और यह सही है एक पॉल किक बनेगा सुसेर सर को अपने क्षेत्र से और ये और इस टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धा पर बॉल बॉयज
बॉल सुना करना आस्ते में बॉल आओ करना बुते को आओ ले पे वार करना बॉल आ जाता है को जन्ना बिगर से और यहाँ पर मौका हो सकता है यहाँ पर मौका बन चुका है विमाल कुमार ने ढूंढा है लेकिन सुंदर डिफेंसिव लाया सुंदर के लिए सुंदर डिफेंसिव यहाँ पर करते हुए टीम सामना एलेवन गोलकीपर भी कम नहीं रोहित का चल सामना एलेवन के एक बार मुख गोलकीपर है और यहाँ पर टेकल यहाँ पर एक साठ पीस सरना इलेवन टीम को मिलता हुआ और चार खिलाड़ी इनडायरेक्ट ब्रिजेश सिंह टू टच होगा तभी गोल माना जाएगा इनडायरेक्ट है क्योंकि आपको क्लास नहीं गुजर रहा विमाल कुमार के लिए विमाल कुमार फिलहाल बॉल कुछ करने कृष्णा के लिए और कृष्णा फिलहाल साथी खिलाड़ी सचिन टुडू के लिए फिलहाल सचिन लेकिन सुंदर के लिए शर्मा इलेवन टीम की तरफ से पहला हाफ का मैच के यहां पर हाँ दर्शक आनंद ले रहे हैं लेकिन कमाल और धमाल वाली पारी दो रुपया अब तक नहीं करी है अपने टीम के लिए सुन किसको पात्र है टीम शर्मा इलेवन विमाल कुमार सुंदर पास प्लस सचिन टुडू कृष्णा के लिए कृष्णा प्लस से पांच रुपया यहाँ पर सुंदर पास है विमाल कुमार के साथ खेलते हुए चौथ यहाँ पर देख पास क्या है सचिन टुडू के लिए सना इलेवन के लिए पर खतरा लेकिन स्क्रीन का यहाँ पर प्रयोग क्या है विमाल कुमार लेकिन अगले मैच के लिए स्काई इलेवन बनाम ओबी एफ जी बनाम अगले की दो टिकल कर दी इस मैच का पहला कॉर्नर किक का जीत हुआ है शिवम सेट टीम के लिए दीपक का बढ़िया क्रॉस लेकिन क्रॉस बस काफी ऊपर फोर फीट नहीं बिना दिपल मैच खेलते हैं ये तो ऐसा खिलाड़ी है जब सेट हो जाते हैं तो एक अलग ट्रिक रिकॉल करने वाले क्लेम से जाते हैं जयपुर और विमाल कुमार
फिलहाल वर्तक्राम में एडन जादव का रिपोर्ट चुका प्लस बैट किए गए गोल में तब्दील विवेक सिंह का। जबरदस्त काउंटर विवेक सिंह का द्वारा और इस मैच का पहला गोल दाता विवेक सिंह का। इस मैच के कारनामा एक नजारा इसमें देखने को मिला है लेकिन सामना 11 कम नहीं वापसी कर सकते हैं लेकिन गलत पास बिरजू फिलासी रूप से बढ़ते क्रम में दिक्कत हो रहा है सरना 11 टीम के लड़के नाम क्योंकि नाम लिखा हुआ लेकिन जर्सी नंबर नहीं है जर्सी पर भी और इसलिए मैं तमाम खिलाड़ी का नाम लेने में थोड़ा तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। मैं माफी चाहूंगा।